गोलू ने अभी तुबा के साथ क्या किया दिखाती हूँ। मैं ऐसे ज्ञान बांटती रहती हूँ, मौसम इतना ठंडा हो जाता है। कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। दुख तकलीफ का ना इतना फायदा उठाते हैं कि वो अपने साथ कुछ कर बैठे। मेंटली मैं पहले ही इतनी परेशान हूँ, मुझे घर से निकाल दिया मेरी सासू माँ ने, मैं तीसरी शादी कर रही हूँ, क्या है ये सब। अरे वाह, कहाँ जा रहे तुबु? गुड मॉर्निंग जैद, ईद मुबारक। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का, भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आप सभी को मेरी और पायल की तरफ से ईद मुबारक। ईद आप सभी को बहुत ज्यादा ईद की शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। और आज हम लोग भी ईद सेलिब्रेट करने वाले हैं घर पे। कुछ मीठा बनाएंगे और सबको ईदी भी देंगे। चोनू कुकू मेरा योना बेटा। तो गाइस मैंने ना आज इसको ना ऐसे करके सुसु कराना सिखाया है इसे। यार ये बिना निकला उसमें, इसने एक मिनट में कर दिया। गोलू इस बारिश में नहाने का मन कर रहा है। वैसे यार कितनी मस्त बारिश है ना। पहले अगर होती ना जागरम प्रेग्नेंट, मतलब बच्चे मर छोटे नहीं हुए होते तो हम नहा लेते। नहा नहीं सकते, दाना भी ठीक हो जाता है इससे। अच्छा, बारिश के पानी से दाने ठीक हो जाते। तो मौसम सच में इतना प्यारा हो रहा है ना। कल भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश हो रही है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। घर का जो सारा काम है ना वो फैला हुआ है। और इस लड़की को मैंने 15 मिनट पहले दवाई दी थी, आज मैंने याद दिलाया दवाई के बारे में ना। और दवाई ये खा रही है, मैं खा चुकी हूँ। क्या उपाय? उठ गई है। गुड मॉर्निंग तुबा। कह रही मुझे नहीं किया ना, इसलिए मैं रो रही हूँ। आप सोचो ही कर ली थी, आप भी उठ गए हो। बच्चे आंखें नहीं खोलते पहले ना। पहले रोना शुरू करते हैं। गाइस आज मेरी तुबा ने ये वाला ड्रेस पहना है और बिल्कुल क्यूटी पाई लग रही है, बिल्कुल क्यूटी पाई। और यहाँ पे आयान ने भी ये ड्रेस पहना है। इसका बास्केट जो है वो निकाल दिया है। तुबा कुछ कहना चाहती है? हेलो एवरीवन। और यहाँ पे जो है जैद भी बस अभी अभी एक मिनट पहले ही सोया है। और हम लोगों ने आज बारिश में इतना ज्यादा एंजॉय किया, इतना ज्यादा एंजॉय किया। बोलो उसके कपड़े चेंज कर दे, क्योंकि ना तुबा की जो ड्रेस है वो ऊपर से तो कॉटन है, नीचे से ना थोड़ा वो नेट है, इसलिए वो इरिटेट हो रही है उससे ना, इसलिए उसको चेंज करना है अभी। तो साथ ही साथ आज हमारे काम करने वाले भी नहीं आए दोनों, पूरे घर का काम हमारे ऊपर आ गया। तो हमने क्या किया, पहले तो ऊपर जाके छत पूरी क्लीन करी। छत पे बहुत ज्यादा कूड़ा था जिससे ना पानी रुक जाता तो नीचे आ जाता, इसलिए हम पूरी छत पहले साफ करके आए। और बारिश में नहाने के बाद पहले नीचे आके नहाए, उसके बाद सारी सफाई करी, फिर नहाए। अब जाके सारा काम खत्म हुआ है और अब लग रही है बहुत तेज भूख। तो यहाँ पे ये वाली जो सिर्फ ये वाली जो अलमारी है ना, ये हमारी तुबा रानी की है। और अब मैं सोच रही हूँ, अब बिल्कुल कपड़े जो है बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, इनमें से आधे कपड़े और निकाल देती हूँ देने के लिए, क्योंकि कुछ कपड़े जो हैं जो छोटे हो गए हैं, कुछ कपड़े जो हैं जो बड़े हैं ना वो मैं बेड में डाल दूंगी, जब उसको आने लगेंगे फिर निकाल लूंगी। तो ये है इसका न्यू लुक। तो मैंने फ्रॉक बनाई है। और गाइस ये वाली जो फ्रॉक है ना, ये हमने ली थी जब पायल की लास्ट टाइम चल रहा था, तो मैं और पायल फ्रॉक लेकर आए थे। तो हमने जब तुबा को पहनाई थी ना, उस टाइम पे तुबा को लूज किया है पायल। अब आइए देखो प्रॉपर। अब इसको इसमें ये भी इरिटेट हो रही है, तो बेटा क्या करें? आपको इरिटेट पता क्यों हो रही है? बनियान पहनाई, इरिटेट ऊपर पहनाई आपको? नहीं, इरिटेट इसलिए हो रही है, इसको सुनना है। तो आज काफी समय बाद ना मेरा मन कर रहा है कि मैं चटनी रोटी और लस्सी खाऊं, पानी पीऊं। तो गोलू ने अभी तुबा के साथ क्या किया दिखाती हूँ। तो ये देखिए तुबा के साथ ना ये टोपी लगाई है, देखना ये टोपी से आ भी नहीं रही है। लूज है? लूज नहीं, बहुत लूज है। तो आज ना काफी टाइम बाद ना हम लोग खा रहे हैं चटनी, और चटनी किस चीज की खा रहे हैं मैं दिखा देती हूँ। चटनी खा रहे हैं मिर्च की और साथ में चेरी टमाटो की। चेरी टमाटो ना बहुत ही खट्टे खट्टे से होते हैं, तो बहुत टेस्टी चटनी बनती है। और साथ ही साथ ना जो ये वाली मिर्च है ना, ये इतनी ज्यादा तीखी नहीं होती है। बोलो देखो किसने बताया तीखी नहीं होती? यार पार मेरे को लगा था हरी मिर्च तीखी होती है। ये भी तीखी होती है, हरी मिर्च से तो लाल मिर्च होती है, ये बहुत तीखी होती है। तीखी होगी, बिल्कुल कम खाई हो, बच्चों की वजह से कम खानी पड़ेगी। ठीक है। तो गाइस मुझे पता तो होता नहीं, मैं ऐसे ज्ञान बांटती रहती हूँ। मेरे को लगा कि ना हरी मिर्च बहुत तीखी होती है, लाल नहीं होती होगी, क्योंकि मैंने कभी भी ना लाल मिर्च की चटनी नहीं खाई है। हमेशा जो खाई है ना वही खाई है, टमाटर की, और उसमें हम हरी मिर्च डालते थे, लाल नहीं डालते थे ना। और ये लाल मिर्च वहां से लेकर आए ना, जब चंडीगढ़ गए थे तब की खराब नहीं हुई अभी तक। सही है ना। तो गाइस बाहर का जो मौसम है ना बिल्कुल सही हो गया, धूप निकल गई है। तो हमने सोचा है काम करते हैं, मशीन लगा देते हैं। तो बस मैंने अभी मशीन लगाई है, और मशीन के साथ साथ ना बच्चों के जो कपड़े थे ना वो भी सारे के सारे गीले हैं। कपड़े मतलब कि धो दिए थे सुबह आंटी ने, बट वो कपड़े गीले। तो पहले मैं सोच रही हूँ जो मशीन लगाई है ना उसके कपड़े सूख जाए, फिर जो बच्चों के कपड़े ना उनको कर दूंगी मैं स्पिन। तो इधर ना मैंने तीनों बच्चों को सुलाया था, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा ही सो रहा है, बाकी दोनों बच्चे भी जाग रहे हैं। तो गाइस बारिश के बाद ना इतनी गंदी हुमस हो जाती है। जब बारिश होती है ना हमें इतना अच्छा लगता है, हम बारिश में नहाते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, मौसम इतना ठंडा हो जाता है। और तुरंत जैसे बारिश खत्म होती है उसके बाद जो वेदर होता है ना बहुत ही चिपचिपाहट वाला, ह्यूमिडिटी वाला होता है। और जो है ना गोलू ने आज क्या किया मैं बता देती हूँ गाइस। तो मुझे पायल ने बोला कि गोलू जाकर ना मशीन चला दे और ना बच्चों के जो कपड़े गीले हैं ना उनको स्पिन कर दियो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने मशीन खोली, कपड़ों को ना सूंघा, मैंने कहा यार कपड़े तो गंदे लग रहे हैं, काम कर दी, मशीन चला दी। तो मशीन ऑलरेडी लगी हुई थी, मतलब धुले हुए कपड़े मैंने सेकंड टाइम धो दिए। और पायल कह रही गोलू
मशीन चला दी। मैंने कहा कपड़े तो ये रखे, मैंने कहा नहीं नहीं जो अंदर कपड़े थे वो लगाए हैं, तो मैंने दो बार मशीन चला दी। तो गाइस आज मैं आप लोगों से ना कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ। मैसेज ये है मेरी तरफ से आपको, कुछ ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो लोगों के घर में दुख तकलीफ का ना इतना फायदा उठाते हैं और अपने उनके पास खुद का टैलेंट तो होता नहीं कि वो अपना कंटेंट लाके अपने चैनल पे व्यूज लेके आ सके, उनके पास ये टैलेंट तो नहीं होता, पर उनके पास ये टैलेंट जरूर है कि किसी के दुख का फायदा कैसे उठाया जाए। तो मैं अभी बात जो कर रही हूँ, मैं सपना की बात कर रही हूँ, जिसको आप सभी अभी जानते हैं, उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, उनके जो हस्बैंड थे राजवीर भैया उनका कार दुर्घटना में देहांत हो गया है, ठीक है। तो उसकी फैमिली पे अभी जो दुख बीत रहा है ना, वो आप मैं नहीं समझ सकते, वो वही लोग समझ सकते हैं जिन पे ये दुख टूटा है, पहाड़ टूटा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी आप लोगों से कि उस औरत को इतना डिप्रेशन में मत डालो कि वो अपने साथ कुछ कर बैठे, ठीक है। उसके दो बच्चियां हैं साथ में और उसके सास ससुर हैं जिन्होंने अभी तक उसको उतने ही प्यार से रखा हुआ है। आप लोगों के इतने कमेंट्स आते हैं, आप लोग इतनी वीडियो बनाते हैं, उसके बाद भी उनके जो पेरेंट्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कहीं वीडियो बनाते हैं कि सपना आरआईपी, सपना मर गई है, ऐसा दिखा रहे हैं, तो एक जिंदा इंसान को आप मरता हुआ कैसे दिखा सकते हैं। और आप बोल रहे हैं कि वो तीसरी शादी करेगी और वो कुछ कर नहीं रही है राजवीर की मतलब मौत पे कुछ कर नहीं रही है, तो एक तो वो वैसे इतना डिप्रेशन में है, ऊपर से उसके पीछे कोई नहीं है ना आगे कोई है, वो एक अकेली औरत है अब जो अपने पूरे परिवार को चलाएगी, अपने दोनों बच्चों के लिए कमाएगी, अपने सास ससुर जिनको वो माँ बाप मानती है और हैं भी, एक्चुअल में हैं भी, उन्होंने अपनी बहू को बेटी की तरह रखा हुआ है और ऐसे सास ससुर बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो मैं इतना ही मैसेज देना चाहूंगी कि उसे इतना मत तंग करो आप लोग, ऐसी ऐसी वीडियो बना के आप उसे बोल रहे हैं कि तीसरी शादी करेगी, इसने राजवीर की डेथ के लिए कुछ नहीं किया, वो क्या कर सकती है बेचारी अकेली। नहीं बिल्कुल सही बात बोल रहे बोलो, और सपना को आप जानते हैं स्नैपी गर्ल के नाम से, और मैं आज से नहीं बहुत टाइम से जब हम यूट्यूब पे नहीं थे ना तब से हम उनको देख रहे हैं, तो आज कम से कम इतनी शर्म कर लो कि मतलब आप उनके थंबनेल लगाते हो कि सपना ने कर ली तीसरी शादी, ऐसे ऐसे थंबनेल, और जब भी वो वीडियोस डालते हैं उठा के आप अपने चैनल पे डाल देते हो, क्योंकि ना आज के दिन में कुछ कर नहीं पा रही ना, आपको स्ट्राइक देख पा रही ना, आपको चैनल के ऊपर हार्म कर पा रही, पर आप उसको इतना ज्यादा नुकसान दे रहे हो ना, मतलब वो डिप्रेशन में चली गई, कल को वो कुछ अपने साथ कुछ कर लेते हैं तो उन दो बच्चों को क्या होगा, उसके जिम्मेवार वो लोग होंगे जो डेली उनको डिफेंड करते हैं डेली। मतलब शर्म की बात है, थोड़ा सा आप सुधर जाओ और ऐसी हरकतें मत किया करो, किसी घर से कोई इंसान चला गया तब भी आप उसके मजे ले रहे हो कमेंट कर करके, आपको तो हौसला देना चाहिए कि बहन कोई बात नहीं, जिंदगी है, कुदरत के सामने किसी की भी नहीं चलती, पर आप लोग क्या कर रहे हो, आप उसी को श्राप दे रहे हो, दो दो पति खा गई तू, शर्म नहीं आती, कल मुंह ही पता नहीं क्या क्या बातें आप बोल रहे हो, तो थोड़ी सी शर्म कर लो, आपके घर में माँ बहन है, ठीक है। तो आज हम इसलिए बोले क्योंकि हमारा एक इंसानियत के नाते बोलने का हक बनता है, और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि कुछ लोग हैं जो उसके सपना के साथ हैं, उसके साथ खड़े हैं, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो शायद वही चीजों के, देखो बैड कमेंट्स बाद में पड़े जाते हैं, पहले पड़े जाते हैं अच्छे कमेंट्स, तो थोड़ी सी मोटिवेशन अगर उसके अंदर बाकी है, उसने अपने अपने खुद के ब्लॉग में बोला है कि मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ, तो बस उन्हीं अच्छे कमेंट्स के लेके वो अभी काम करेगी आके, आप लोग उसे सपोर्ट दीजिए। और साथ ही साथ मेरी से भी बात हुई थी सपना की, सपना ने एक छोटा सा क्लिप दिया अपना जो कि मैं इसके बाद लगाऊंगी, और उसका एक छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, और जो लोग उसके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं जाके उनको इतने कमेंट्स भर दीजिए कि वो वीडियोज बनाना बंद कर दे। तो बस आप सभी को मेरी तरफ से यही एक मैसेज था, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए उसको, और इस वक्त उसे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। कुछ लोग मेरे हेटर्स हैं, ज्यादा लोग नहीं है, कुछ लोग हैं, तो मेंटली मैं पहले ही इतनी परेशान हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग तीसरी शादी और राजवीर जी की मौत पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे, साजिश है ये, मतलब कैसे कैसे बातें बनाई जा रही है, मुझे घर से निकाल दिया, मेरी सासू माँ ने वो बोल रही है निकल तू यहाँ से, क्या है ये सब, मैं तीसरी शादी कर रही हूँ और इतनी कि मैं अपने मुंह से वो गंध निकालना नहीं चाहती जो आप लोग बोल रहे हो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, पहले तो मेरे लिए चल रहा था, फिर मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ रहे आप लोग, फिर अंशु से बोलते हैं वो पैसे के लिए आई है यहाँ पे, वो छोटी बच्ची यार, इतनी तो शर्म करो, और मेरे चैनल बना लिए आप लोगों ने, मेरा लोगो सब कुछ चुरा के मेरी वीडियोस डाल रहे हैं, एक एक नहीं कई कई चैनल्स बना लिए, आप लोग को क्या कर रहे हो पता है, मेरे जो मेरा ये समय चल रहा है बुरा, उसका फायदा उठा रहे हो कि आज मेरा बुरा समय सपना कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि राजवीर जी नहीं है, सूरज जी नहीं है, तो सपना खुद को संभालेगी कि चैनल संभालेगी, उनको ये लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, मैं करूंगी, मैं अपने बच्चों के लिए करूंगी,
अपने मम्मी पापा के लिए करूंगी क्योंकि उन्होंने अपने दो बेटे खोए हैं, मैं उनका बेटा हूँ, तो मैं सब कुछ करूंगी। और आप लोग मुझे अकेला मत समझो, मेरे सपोर्टर्स बहुत हैं, अरमान भैया, पायल भाभी, कृतिका भाभी, सब लोग हैं। और अभी तुम्हारा टाइम है, इसीलिए तुम इतनी गंद फैला रहे हो। मेरा भी टाइम आएगा, मैं सब हैंडल करूंगी। अभी इतना मेरे में नहीं है कि इतना सब कुछ मैं कर पाऊँ, क्योंकि घर के हालात देखूं, कि यूट्यूब चैनल अपने देखूं आगे, कि अपने बच्चों को देखूं, कि तुम जो लोग ये गंद फैला रहे हो मेरे साथ जो कर रहे हो, मैं उस चीज को देखूं, क्या क्या देखूं मैं, ये इसी चीज का तुम लोग बस फायदा उठा रहे हो। पता पागल हो जाती हूँ, तुम लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ ना तो पागल हो जाती हूँ। फिर तुम लोग झट से वीडियोस बना देते हो, कुछ भी कर देते हो, फीलिंग्स को नहीं समझते कि आज मेरे पे क्या बीत रही है। तुम्हारे साथ होता तब तुम लोग को पता चलता कि जब लड़की के साथ ऐसा होता है ना तो क्या होता है। तो है शाम के बज गए हैं 8 और आज ना मैंने सूट पहना बहुत दिन बाद, क्योंकि क्या है कि घर पे रोज नाइट सूट पहन के ना बंदा बोर हो जाता है। तो मैंने और पायल ने दोनों ने आज थोड़ा ड्रेसअप करा, क्योंकि आज ईद भी है, तो हमने सोचा थोड़ा सा स्पेशल रेडी हो जाते हैं। तो ज्यादा तो रेडी नहीं हुए, थोड़ा बहुत ही रेडी हुई, तो ये वाला मैंने सूट पहने। और दोपहर को ना बनाई थी पायल ने चटनी, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी। आज इतना मजा आ गया ना खाना खा के, चटनी थी, रोटी थी, साथ में लस्सी थी, और हमने गुड़ भी खाया था, तो आलू और बीन्स की सब्जी भी रखी हुई है। हमने सोचा काम करते हैं, चटनी के साथ ही खाना खा लेंगे। और ना ये रखा हमारा गुड़ का डब्बा, इसको यहाँ ही रखूंगी ऊपर, ताकि दिखेगा ना तो खत्म भी हो जाए। तो शाम की जो पूजा है ना वो भी एकदम टाइम से हो गई थी डन। और अभी हमारी जो तूबा रानी है वो उठी हुई है, साथ में जैद उठा हुआ है, तो दोनों भाई बहन खेल रहे हैं, आयान अभी सो रहा है। दोनों भाई बहन का टम्मी टाइम करा रहे। अरे वाह, अभी पता मैं बोल कर रही बाहर, मैंने कहा तूबा और ना जैद खेल रहे हैं, तो टम्मी टाइम कर ले मेरे बेटे, टम्मी टाइम कर ले। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है हमारा लिटिल मास्टर आयान जी, ये भी उठ चुके हैं। आपको भी करना टम्मी टाइम, टम्मी टाइम करेंगे भाई बहन के साथ। आपको यहाँ पे टम्मी टाइम कराती है मम्मा, ठीक है। अरे तू कहाँ जाना बेटा, कहाँ जाना तू? तो यहाँ पे ना इतने क्यूटली तरीके से ना यान टमी टाइम कर रहा है। यान अभी रो रहा था, चुप हो गया टमी टाइम करते ही। योर टमी टाइम ओवर, मजा आ गया आपको टमी टाइम करके? कमर टाइम स्टार्ट। ये थक गया मैं बेटा, ये तो रोने लग गई, छोटी है ना अभी, इसको टमी टाइम समझ नहीं आया। वो देख मम्मा, वो देख कितने आराम से टमी टाइम, उसको अच्छा लग रहा है टमी टाइम करते हुए। श्योर दिस इज योर टमी टाइम। तो गाइज आप ना हमारा व्लॉग बहुत ध्यान से देखते हो, तो मैंने ना आज एक कमेंट पढ़ा था, कल वाले व्लॉग में आया था, तो कमेंट कुछ ऐसे था, कमेंट था शुभांगी सोनिका, वो लिख रही हैं, दी मेरा बेबी 7 मंथ प्रेगनेंसी में हुआ है और मैं भी उसको D3 देती हूँ, अभी वो 6 मंथ का है, कंप्लीट हो गया है और उसका नाम अर्णव रखा है, कैसा है नाम बताना जरूर, और आपके वीडियो देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लव यू पायल एंड गोलू दी, मिस यू, थैंक यू सो मच शुभांगी जी। और आरव नाम बहुत ही ब्यूटीफुल नेम है, और आपके बच्चों को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, और आपका बेबी जो है वो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए और हेल्दी रहे, बस यही प्रेयर है, और आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा। तो गाइज आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तूबा के लिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी तूबा के लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। बीच में थोड़ा सा मुझे बुरा लगा था जब लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, पर जो नेगेटिव चीजें थी वो पॉजिटिव हो गई है, और ऐसे ही ना हमेशा नेगेटिव चीज को पॉजिटिव करना बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप सपना के लिए भी जो नेगेटिव लोग वीडियोज बना रहे हैं वो मत बनाइए, कुछ पॉजिटिव कीजिए कि उसको भी एक हिम्मत मिले, आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन मिले और वो अपनी लाइफ में अपनी बेटियों के लिए कुछ कर पाए। और गाइस जाते जाते आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक प्रैंक किया था बहुत ही बढ़िया, जो कि आएगा फैमिली फिटनेस पे ठीक 2 बजे, तो जिसने भी नहीं देखा होगा जल्दी जाके देख लेना और बताना आपको प्रैंक कैसा लगा, और आगे आगे ना हमें आप सजेशन दीजिए कि नेक्स्ट प्रैंक क्या लेके आए हम आपके सामने, तो जो आप लिखेंगे ना फिर वो हम प्रैंक आगे करेंगे, तो आप हमें सजेशन दीजिएगा और हम प्रैंक करेंगे। तो बस इस वाले व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।